डियर स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होने के नाते आप सब लोग अपने प्रैक्टिकल एक्टिविटीज की तैयारी कर रहे होंगे। इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल एक्टिविटी है वर्कशॉप। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में होने वाली वर्कशॉप वन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इग्नू के बीएड प्रोग्राम में वर्कशॉप एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल कंपोनेंट है और हमारे बीएड में दो वर्कशॉप्स होती हैं। पहली वर्कशॉप जिसका कोड BESL131 है वो फर्स्ट ईयर में होती है, वो 12 दिन की होती है, और दूसरी वर्कशॉप BESL132 जिसका कोड है वो भी 12 डेज अर्थात 12 दिन की वर्कशॉप है और दोनों चार चार क्रेडिट के प्रोग्राम्स हैं। अब हम बीएड फर्स्ट ईयर की जो वर्कशॉप है उसके बारे में बात करेंगे। ये वर्कशॉप एक 12 दिन का फेस टू फेस कंपलसरी कंपोनेंट है, जो आपका प्रोग्राम स्टडी सेंटर है वहां इसको ऑर्गेनाइज किया जाना है। वर्कशॉप कब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? जब इग्नू के एग्जाम्स चल रहे हों, टर्म एंड एग्जामिनेशन की डेट्स हों, जो जनरली जून और दिसंबर में होते हैं, उस दौरान हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। वर्कशॉप की डेट्स हम डिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम स्टडी सेंटर, अपने यहाँ अवेलेबल रिसोर्सेज, टीचर्स, स्पेस और आपकी छुट्टियां कब हैं, आपका वेकेशन शेड्यूल क्या है, उसके आधार पर आपके प्रोग्राम इंचार्ज ये तय करते हैं कि आपकी वर्कशॉप कब होगी। जनरली वर्कशॉप्स टर्म एंड एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले ऑर्गेनाइज की जाती हैं। जैसे फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिसंबर में होने हैं तो दिसंबर से पहले कभी भी, चाहे वो जून में, चाहे वो अक्टूबर में, चाहे वो नवंबर में, कभी भी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो सकती है। जनरली वर्कशॉप्स या तो समर ब्रेक्स में ऑर्गेनाइज होती हैं या फिर जब आपकी लंबी छुट्टियां पड़ रही हो, क्योंकि वर्कशॉप के लिए आपको 12 दिन लगातार अपने स्टडी सेंटर पर वर्कशॉप अटेंड करनी होती है। ध्यान रखिए, वर्कशॉप सभी के लिए मैंडेटरी कंपलसरी है, 12 दिन की अटेंडेंस भी मैंडेटरी है, आपको एक भी दिन की छुट्टी लेने की अनुमति नहीं है सामान्य स्थितियों में। आप फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप तभी कर सकते हैं व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर इंटर्नशिप फर्स्ट। अगर आपने पहली इंटर्नशिप की सारी एक्टिविटीज कंप्लीट की हैं तभी आप वर्कशॉप कर सकते हैं। वर्कशॉप आपको उसी प्रोग्राम स्टडी सेंटर पर करनी है जो प्रोग्राम स्टडी सेंटर आपको अलॉट हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, जनरली दो वर्कशॉप, फर्स्ट ईयर वर्कशॉप और सेकेंड ईयर की वर्कशॉप के बीच एक एकेडमिक सेशन का गैप सजेस्ट किया जाता है। आप दोनों वर्कशॉप लगातार एक ही साल में नहीं कर सकते। अगर आपने फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप पूरी नहीं की है तो आपको फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप में शामिल होने की परमिशन नहीं दी जाएगी। हमारी वर्कशॉप 12 दिन की है और अगर आप इसका वर्कशॉप शेड्यूल अपनी हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी फर्स्ट ईयर में देखेंगे तो आप देखेंगे हर एक दिन हमने 4 सेशन प्लान किए हैं। कुछ दिन आप टोटल सेशंस का नंबर 8 या 12 देखेंगे। उसका कारण यह है कि उन दिनों में आपके जो पेडागॉजी सब्जेक्ट्स हैं उनके सेशंस होने हैं, और चूंकि 5 पेडागॉजी सब्जेक्ट हम ऑफर करते हैं तो 5 सेशन पैरेलली चलेंगे, अर्थात BES 141 का सेशन एक रूम में, BES 142 का सेशन एक रूम में, 143 एक रूम में, 144 एक रूम में, 145 एक रूम में। तो आप उन सेशंस के दौरान अपने अपने सब्जेक्ट्स के रूम्स में जाकर के उन एक्टिविटीज को कंप्लीट करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, डे 2 में लास्ट सेशन 5 जगह होना है, डे 4 में सेशन 1 और सेशन 2 5 पैरेलल रूम्स में होने हैं। इसी तरह से आप डे 5 और डे 6 में देखिए और डे 7 में देखिए तो आपको सिमुलेटेड सिचुएशन में, अर्थात अपने सब्जेक्ट ग्रुप में जो लेसन प्लान आप बनाएंगे उनको पढ़ाना है अपने ही साथियों को, तो वो भी 5 अलग अलग कमरों में चलेंगे, इसीलिए यहाँ पर सेशंस का नंबर थोड़ा ज्यादा है। वर्कशॉप में हमने पेडागॉजी सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान, यूनिट प्लान और असेसमेंट एक्टिविटीज के अलावा आपके ईपीसी कोर्सेज जो हैं उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए भी सेशंस रखे हैं। जनरली वो सेशन डे 10 और डे 11 में होते हैं। हमने आपकी वर्कशॉप को और सुगम बनाने के लिए और इजी बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट सेशंस हैं उन सेशंस के लिए कुछ वीडियो प्रोग्राम डेवलप किए हैं। वो वीडियो प्रोग्राम इस टेबल में आप देख सकते हैं कि किस दिन, किस सेशन में, किस टाइटल
के वीडियो प्रोग्राम को यूज करना है और उसका यूट्यूब लिंक भी दिया गया है। ये सारे वीडियो प्रोग्राम हमारे स्कूल ऑफ एजुकेशन के फैकल्टी मेंबर्स ने, जो डिफरेंट कोर्सेज को कोऑर्डिनेट करते हैं, उन्होंने डेवलप किए हैं और ये वीडियो प्रोग्राम्स आपको अपने सेशंस को सुचारू रूप से कंप्लीट करने में मदद करेंगे। इसी तरह से ये तीन और प्रोग्राम है, Day 3, Day 7 और Day 8 पर आप इनको यूज कर सकते हैं और इन तीन प्रोग्राम्स को आप Day 9, Day 10 में यूज कर सकते हैं। ये वीडियो प्रोग्राम्स आप यूज कैसे करेंगे? जो भी उस सेशन के लिए अलॉटेड रिसोर्स पर्सन है वो इन वीडियो को यूज करके सेशन को इनिशिएट कर सकते हैं, सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। इन वीडियोस को वो डाउनलोड कर सकते हैं या अगर इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी है तो यूट्यूब से डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं। वीडियो खत्म होने के बाद उन वीडियोज में जो डिस्कशन हुआ है उस पर आप लोगों के साथ एक डिस्कशन ऑर्गेनाइज होगा और फिर जो भी उस सेशन की एक्टिविटी है वो आप अपने रिसोर्स पर्सन द्वारा दिए गए सजेशंस के बेस पर कंप्लीट करेंगे। डियर लर्नर्स, वर्कशॉप के दौरान एक सेशन नॉर्मली 90 मिनट्स अर्थात 1 घंटा 30 मिनट का होता है। हर एक दिन के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में 15 मिनट्स का टाइम अलॉट किया जाता है जहां आप प्रीवियस डेज में जो एक्टिविटीज आपने की हैं उनकी ब्रीफ रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकें। इसके लिए आपके PIC आप में से ही किसी को हर दिन की रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए कह सकते हैं, तो आप में से कोई एक दिन की रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा, कोई दूसरा नेक्स्ट डे की रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा और ये रोटेशन वाइज प्लान हो सकता है। पेडागोजी कोर्सेज के जो सेशंस हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया, 5 पैरेलल सेशंस में ऑर्गेनाइज होने हैं अर्थात एक ही समय में 5 अलग अलग रूम्स में ऑर्गेनाइज होंगे और अलग अलग रिसोर्स पर्सन जो उन पेडागोजी सेशंस के रिसोर्स पर्सन हैं वही इन सेशंस को लेंगे। वर्कशॉप के दौरान आप देखेंगे या तो सेशंस में आपको कोई एक्टिविटी करनी है या फिर कोई डिस्कशन है जिस पर आपको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करनी है, ग्रुप डिस्कशन करना है, तो वर्कशॉप के दौरान या तो आपको ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी या फिर कुछ इंडिविजुअल एक्टिविटी है जो आपको परफॉर्म करनी होगी। हर एक सेशन को एक रिसोर्स पर्सन कंडक्ट करेगा जो PIC डिसाइड करेंगे, आपके प्रोग्राम इंचार्ज या वर्कशॉप इंचार्ज तय करेंगे कि कौन रिसोर्स पर्सन किस सेशन को कंडक्ट करेगा और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप हर एक सेशन में अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन रखें। वर्कशॉप के दौरान हर एक सेशन में 3 स्टेज होती है, प्री वर्कशॉप एक्टिविटी, ड्यूरिंग वर्कशॉप एक्टिविटी और पोस्ट वर्कशॉप एक्टिविटी। प्री वर्कशॉप एक्टिविटी में आपके हैंडबुक में ये सजेस्ट किया गया है कि कोई भी सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको कौन सा स्टडी मटीरियल पढ़ के आना है या कौन सा सामान, कौन सा मटीरियल अपने साथ लेकर आना है जो उस वर्कशॉप की एक्टिविटी में आपकी मदद करेगा। ड्यूरिंग वर्कशॉप सेशन में हर एक सेशन में ये बताया गया है कि उस सेशन में आपको क्या करना है या आपके रिसोर्स पर्सन आपके साथ किस तरह से उस सेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे और पोस्ट वर्कशॉप एक्टिविटी में उस सेशन का आउटपुट क्या होगा या उस सेशन में आपने जो सीखा है उसको आप आगे कैसे अपने शिक्षण के लिए, अपने टीचिंग के लिए, अपनी टीचिंग के लिए यूज कर सकते हैं उसके बारे में पोस्ट वर्कशॉप एक्टिविटी में डिस्कशन है। अब बात आती है कि आप जो वर्कशॉप के दौरान एक्टिविटी करते हैं, वर्कशॉप में आप देखेंगे शेड्यूल में बहुत सारे असेसमेंट के सेशंस हैं, उनमें क्या होगा? वर्कशॉप के दौरान आपको जो भी आपने इंटर्नशिप में अपनी एक्टिविटीज की हैं उनकी रिपोर्ट्स लेकर आनी है और उन रिपोर्ट्स का असेसमेंट किया जाएगा। साथ ही आपने जो EPC एक्टिविटीज आप वर्कशॉप के दौरान करेंगे और आपने इंटर्नशिप के दौरान की है उन सबकी रिपोर्ट का असेसमेंट होगा और साथ ही वर्कशॉप के सेशंस में जो आपकी परफॉर्मेंस है उसका असेसमेंट होगा। तीनों की ग्रेडिंग अलग अलग होगी। इंटर्नशिप रिपोर्ट का असेसमेंट कैसे होगा? आपने इंटर्नशिप 1 के दौरान जो भी एक्टिविटीज की हैं उन सब की रिपोर्ट आपको विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेकर आनी है। आपकी वो सारी रिपोर्ट्स आपके मेंटर द्वारा ऑथेंटिकेटेड और आपके प्रिंसिपल, जो आपके इंटर्नशिप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनके द्वारा वेरीफाइड होनी चाहिए। जो भी इंटर्नशिप रिपोर्ट्स के असेसमेंट के लिए सेशन अलॉट है वहां जो रिसोर्स पर्सन आएंगे वो आपसे आपकी रिपोर्ट को प्रेजेंट करने को कहेंगे। जब आप अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे तो आपके साथी आपकी रिपोर्ट पर, आपकी एक्टिविटीज पर अपना फीडबैक दे सकते हैं और आपके रिसोर्स पर्सन आपकी एक्टिविटीज को ग्रेड करके उन ग्रेड्स को वर्कशॉप इंचार्ज को सबमिट कर देंगे और साथ ही आपने जो रिपोर्ट सबमिट की है वो रिपोर्ट भी वर्कशॉप इंचार्ज को सबमिट की जाएगी।
ऐसे ही जब ईपीसी एक्टिविटीज के असेसमेंट की बात आती है, तो आपने ईपीसी की जो एक्टिविटीज इंटर्नशिप एक के दौरान वर्कशॉप में आने से पहले की हैं, उनकी रिपोर्ट आप साथ में लाएंगे। ऐसी चार एक्टिविटीज हैं, दो ईपीसी कोर्स हैं आपके पास, हर एक कोर्स की दो दो एक्टिविटी आपने इंटर्नशिप के दौरान की होगी, साथ ही चार एक्टिविटीज आप वर्कशॉप के दौरान करेंगे डे 10 और डे 11 में, दो एक्टिविटी ईपीसी कोर्स 1 की और दो एक्टिविटी ईपीसी कोर्स 2 की। इन सभी रिपोर्ट्स का असेसमेंट ईपीसी एक्टिविटीज के असेसमेंट की जो सेशंस हैं उन सेशंस में किया जाएगा। इनके लिए अलॉटेड सेशंस में आपको अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करने को कहा जाएगा, आपके साथ ही आपकी रिपोर्ट पर आपकी एक्टिविटीज पर अपना फीडबैक देंगे और आपके रिसोर्स पर्सन्स उन एक्टिविटीज को ग्रेड करेंगे और साथ ही उन एक्टिविटीज की रिपोर्ट्स के साथ आपके ग्रेड्स को आपके वर्कशॉप इंचार्ज को सबमिट करेंगे। वर्कशॉप के दौरान जो डिफरेंट सेशंस हैं, चाहे वो ग्रुप एक्टिविटी सेशंस हैं, इंडिविजुअल एक्टिविटी सेशंस हैं, उन सभी की रिपोर्ट्स पर ग्रेडिंग वर्कशॉप सेशंस के दौरान ही की जाएगी और वो ग्रेडिंग जो भी आपके वर्कशॉप फैसिलिटेटर या रिसोर्स पर्सन्स हैं वो करेंगे। अगर कोई ग्रुप एक्टिविटी है तो उस ग्रुप में भाग लेने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स को सेम ग्रेड दिया जा सकता है। आपकी जितनी भी एक्टिविटीज वर्कशॉप के दौरान की जानी है उन सब में आपके द्वारा पाए गए ग्रेड्स का क्यूमुलेटिव ग्रेड कैलकुलेट करके आपके वर्कशॉप इंचार्ज आपकी वर्कशॉप का असेसमेंट ग्रेड रीजनल सेंटर को सबमिट करेंगे। रीजनल सेंटर या स्कूल ऑफ एजुकेशन के पास ये राइट्स हैं कि यदि उन्हें लगता है कि आपके ग्रेड्स ठीक नहीं हैं या उनमें सुधार की आवश्यकता है तो वे इनमें सुधार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये प्रेजेंटेशन आपको वर्कशॉप को ठीक ढंग से करने में मदद करेगा। यदि आपको वर्कशॉप को लेकर कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें बेझिझक soe@ignou.ac.in पर लिख सकते हैं। आप सभी सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और अच्छे शिक्षक बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद।